आवश्यक पोषक तत्व 16 है, उसमें से ये माना गया है अगर 17वां होगा, 17वां इम्पोर्टेंट जो है ये पोषक तत्व तो है वो निकिल होगा। इसको हम 3 प्लस 6 प्लस 7 में भी देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये बृहत तत्व है, बृहत तत्व मतलब ये वाले, ये बृहत तत्व है या बहुमात्रिक पोषक तत्व है, बहुमात्रा मतलब अधिक मात्रा में चाहे जाने वाले, ठीक है। यहां पर हमने 13-3 इसलिए कर दिया है क्योंकि ये जो है हवा एवं जल से प्राप्त होते हैं, 3 पोषक तत्व हवा और जल से प्राप्त होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, CH और O, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये 13 पोषक तत्व हैं ये मृदा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहां पे 3 प्लस 6 ये बृहत तत्व हैं, इसमें ये हो जाएगा CHO और ये हो जाएगा NPK और CaMgS, ये जो है बहुमात्री पोषक तत्व है, बृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। इसमें से एनपीके की जो है वो प्राथमिक पोषक तत्व तो कहलाते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व तो। और CaMgS ये द्वितीयक पोषक तत्व तो कहलाते हैं, ये द्वितीय पोषक तत्व कराते हैं। भूमिका मृदा या पौधे के अंदर समान ही रहती है, लेकिन इनकी मात्रा एनपीके की मात्रा कुछ ज्यादा प्रयोग की जाती है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट की अपेक्षा। तो इनको हम उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, अधिकतर हम उर्वरक डालते हैं वो एनपीके वाले ही डालते हैं, इसलिए इनको उर्वरक तत्व भी कहा जाता है, इनको जो है उर्वरक तत्व भी कहा जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये चूना तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चूना तत्व कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पोषक तत्व हो गए, उसके बाद भी ये वाले बच्चे हैं जो 7 पोषक, इसमें देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, लोहा, तांबा, मैंगनीज और बोरान, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं क्लोरीन, नहीं क्लोरीन क्या है, जिंक का लीजिए, जिंक, जिंक तो हो गया, नहीं हुआ, जिंक क्या, जस्ता, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पोषक तत्व हो गए जो कि पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैग्नीशियम तो इसमें आ गया, मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम तो इसमें आ गया था, क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन, ये 7 पोषक तत्व हो गए। और ये भी मृदा से लिए जाते हैं, ये दोनों मृदा से इनकी पूर्ति होती है। लोहा को Fe दिखते हैं, तांबा को
कॉपर से लिखते हैं, मैग्नीज Mn हो गया बोरान, बी हो गया क्लोरीन, Cl हो गया Mo हो गया और ये Zn हो गया। सूक्ष्म पोषक तत्व की जो मात्रा है, सूक्ष्म पोषक तत्व कैसे है इनको क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, इनको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या न्यून पोषक तत्व या माइनर पोषक तत्व, किसी भी रूप में आ सकते हैं। और ट्रेस पोषक तत्व या माइक्रो पोषक तत्व, किसी रूप में इनको जाना जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये पोषक तत्व हो गए, या एक और नाम इनका रखा जाता है विरल पोषक तत्व। तो इस प्रकार से जो है ये इनका अलग अलग नाम से देखा जाता है।